हेलो दोस्तों, सभी को नमस्ते। आप तो जानते होंगे, मेरा नाम श्याम सुंदर मुर्मू, आपको इस नए ब्लॉग पर स्वागत है। मुझे लगता है दोस्तों आप लोग भी हैरियत होंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं मैं अभी खेत में हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे पीछे एक ट्रैक्टर खड़ी है, आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों मैं हमारे खेत की ओर आया था, तो मैं वहाँ देखा कि यहाँ धान की थ्रेसर हो रही थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ आऊँ। तो इसलिए दोस्तों मैं यहाँ आया था, तो यहाँ पर वीडियो बनाया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत बड़ा मशीन है जो ट्रैक्टर के पीछे एक मशीन है, तो ये बहुत बड़ा मशीन है। तो इससे जो हमारा धान हम उगाते हैं खेत से, तो उसको हम यहाँ भर्ती करते हैं, फिर यहाँ से धान अलग हो जाती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, तो यहाँ बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे, तो आप देख सकते हैं दोस्तों। हाँ, मैं अभी खेत के पास में, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये ट्रैक्टर है, बहुत बड़ा ट्रैक्टर, तो हमारे गांव के आसपास है, तो आप देख सकते हैं। तो ये मशीन है, आपको दिख रहा होगा जो पीछे वाले हिस्से है, तो ये थ्रेसर है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ मजदूर काम कर रहे थे बहुत अच्छे से, आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो मैं अभी खेत के बीच में हूँ, तो यहाँ ही थ्रेसर हो रही थी, आप देख सकते हैं दोस्तों। आपको दिखाता हूँ पूरे जो थ्रेसर का पूरी तरह दिखाता हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं जो यहाँ का हिस्सा है, तो यहाँ दो तीन फैन है, तो इससे बहुत अच्छे से धान बाहर निकल आते हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ भी यहाँ से धान निकलती है, जब यहाँ जब फैन रोटेट होती है, तब धान बाहर आती है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों। मैं अभी यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आज पहली बार मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, आप देख सकते हैं, तो आपको दिखा रहा हूँ। तो अब देख सकते हैं दोस्तों, जो धान जो थ्रेसर से निकला है, अब देख सकते हैं दोस्तों, ये धान है, आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये धान है, आप देख सकते हैं, तो ये पूरे धान है, यहाँ बहुत सारे धान है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो अभी मजदूर लोग खाना खाएंगे दोस्तों, यहाँ बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये सारे धान है, आप देख रहे होंगे। तो मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपको रोज ऐसे नया नया वीडियो देता हूँ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये थ्रेसर है, बहुत बड़ा थ्रेसर है। तो यहाँ भी बहुत सारे धान थे, लेकिन अभी कटाई हो चुकी है दोस्तों। अगर मुझे लगता है, अगर और 10-20 दिन हो जाएगा, तो यहाँ पूरे धान नहीं रहेगी, क्योंकि अभी लोग धान को कटाई कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। आपको देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरी तरह, आप देख सकते हैं, आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, आपको पूरी तरह दिखा चुका हूँ। तो बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। तो दोस्तों हमारे भी बहुत परेशान है, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि क्यों हम लोग भी एक बार थ्रेसर लाएं, तो हम भी थ्रेसर करेंगे, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो मैं अभी खेत से घर की ओर जा रहा हूँ दोस्तों, मुझे थोड़ा काम है, तो इसीलिए मैं जाऊँगा, आप देख सकते हैं। तो मैं अभी जंगल की ओर जा रहा था दोस्तों,
इसीलिए मैंने जब देखा तो सॉरी इसीलिए मैं यहाँ वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। तो मैं अभी जंगल की ओर जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारे खेत है क्योंकि हमारे ओडिशा के लोग तो खेती का काम करते हैं, इसीलिए दोस्तों आप देख सकते हैं। तो आपको दिखाता हूँ पूरी खेत, ये यहाँ बहुत सारे खेत है आप देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ भी बहुत गोल गोल टाइप बांधा हुआ है, आप देख सकते हैं धान। तो जब उसको भी यहाँ ले जाएंगे तो इसको भी ठेसर करेंगे, आप देख सकते हैं दोस्तों। मैं अभी घर की ओर जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं बहुत दूर में ठेसर है, आप देख सकते हैं। तो मैं अभी जा रहा हूँ अपने रास्ते, जंगल में मुझे थोड़ा काम है, कुछ लकड़ियाँ लेनी है, तो मैं यहाँ से फिर वापस घर जाऊँगा, आप देख सकते हैं दोस्तों। मैं अभी जा रहा हूँ, तो अभी 4 बज चुका है, 11 और 1 घंटा के बाद तो शाम हो जाएगी। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं अभी खेत में हूँ, तो जा रहा हूँ। अगर हम तकलीफ नहीं उठाएंगे तो ज़िंदगी में आगे कुछ नहीं कर सकते हैं दोस्तों। अगर हम आगे बढ़ना है और आगे कुछ करना है तो दोस्तों बहुत सारे तकलीफ़ियाँ तो उठाना पड़ेगा। अगर हम तकलीफ़ियाँ नहीं उठाएंगे तो ज़िंदगी में ढंग का कुछ काम कर नहीं सकते दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो मैं बहुत अच्छे से वीडियो बना रहा हूँ, तो इसीलिए दोस्तों आपको हमेशा कहता हूँ, आप मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और श्याम स्टेमेरी ब्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब करो, तभी मुझे भी मोटिवेशन आएगा और भी वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू दोस्त, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग पर।